जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आज एक वीडियो मेरे पास आया है एक उड़ीसा के हवलदार जी का। एक्स हवलदार हैं, उनके साथ पुलिस ने बदतमीजी की और एक शब्द ऐसा बोला जो हम सभी फौजियों के लिए एक तरह का वर्दी का अपमान। जब हवलदार जी के साथ वो धक्का मुक्की कर रहे थे, उनका गला पकड़ रहे थे, तो उन्होंने कहा कि भाई मैं एक फौजी आदमी हूँ, आप मेरे साथ इस तरह की बदतमीजी ना करें। तो उस पुलिस जो थाना अधिकारी है वहाँ के IIC, उसने कहा कि तुम सारे के सारे फौजी चोर होते हो और पाकिस्तान को सिक्योरिटी लीक करते हो, और ये जो कारगिल की लड़ाई हुई थी इसमें तुम्हारी मिलीभगत थी, और ये सब तुम्हारा पैसे खाने का ड्रामा होता है, लड़ाई उड़ाई कुछ नहीं होती, तुम फौजी पैसे खाते हो। ये एक इंस्पेक्टर ने फौजी से कहा। वीडियो आपको दिखा देता हूं, और उड़ीसा भाषा में उसने रिकॉर्डिंग भी की है। जो उस दिन जब बोला, उस दिन तो उसने रिकॉर्डिंग नहीं कर पाया वो हवलदार जी, लेकिन दूसरे दिन जाकर उसकी बंगला भाषा, उसमें उड़ीसा भाषा में उसने रिकॉर्डिंग की है, और वो रिकॉर्डिंग बनाकर वहां के SP को और IG को सबको दी है। अब वो उस पर प्रेशर डाल रहे हैं कि उस ऑडियो को आप लीक ना करो और राजीनामा कर लो। ये ऐसे ही इनसे मुंह से निकल गया। वो बंगा उड़ीसा में रिकॉर्डिंग है, वो तो मैं आपको जो अपने इसमें ये हवलदार जी बताएंगे, जो उड़ीसा के हैं वो समझ सकते हैं, उसको मैं समझ नहीं पाया। लेकिन यहां मैं सबसे पहले आपको वो वीडियो दिखाने से पहले उड़ीसा पुलिस को कहना चाहता हूँ, चाहे उड़ीसा की पुलिस हो या किसी भी स्टेट की पुलिस, अगर आप लोगों के दिमाग में ये है कि फौज ऐसा काम करती है, जिस दिन फौज ने आप लोगों की तरह ये पैसा खाना शुरू कर दिया ना, जैसे आप लोग किसी भी रेडी पे गए, वहाँ टमाटर 10 रुपए के ले लिए, वो 10 रुपए नहीं देते हो किसी से, रेडी वाले से, किसी ट्रक वाले से जो दिन भर मजदूरी करता है उससे 10-20 रुपए मार के खा जाते हो, दिन भर किसी रिक्शा वाले से, जो आप लोगों की आदत है ना, पूरा देश जानता है कि 10-10 रुपए में बिकने वाली पुलिस, और आप आरोप लगा रहे हो उन जवानों पर जो देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे देते हैं। अभी आपने देखा होगा हमारे 20 जवान सिर्फ और सिर्फ देश रक्षा के लिए अभी चाइना बॉर्डर पर खत्म हुए हैं, शहीद हुए हैं वो। आप लोगों की तरह अगर वो इस तरह मिलीभगत करते ना, जैसे आप थानों में शरीफ आदमी को खड़ा रखते हो और गुंडे बदमाशों को चेयर देते हो और कमीशन लेते हो, ये किसी से छिपा नहीं है, इसलिए आपकी वर्दी पे दाग है, और इसी वजह से, इन दागों की वजह से चिढ़ते हो किससे, फौजी से, क्योंकि लोग उनकी इज्जत करते हैं, तो इज्जत इसलिए करते हैं, कोई ईमानदार होते हैं, देशभक्त होते हैं और देश के लिए जान देने के लिए तैयार होते हैं। मैं चाहता हूं कि इस IC इसने जो थाना अधिकारी ने उड़ीसा में कहा है उसकी रिकॉर्डिंग वो बंदे वहां के हाई कोर्ट में देंगे और जनता के सामने भी करेंगे। पूरी जनता, पूरा देश ऐसे आरामखोर को फांसी पर लटकाए ताकि इस तरह फौजियों पर आरोप ना लगा सके, जो लगातार देश के लिए जान ले दे रहे हैं। अगर इस तरह के बयानबाजी करेंगे तो फिर क्या असर होगा हमारी सेना पर, जो इस समय चाइना से लड़ने की तैयारी कर रही है, और यह आरामखोर इस समय इस तरह का आरोप लगा रहा है, खुद की तरह चोर समझा है क्या? बहन, जो तुम्हारी, अगर तुम सुधर जाओ तो देश की आंतरिक सुरक्षा तुम कर रहे हो, बहुत अच्छा कोरोना में भी काम कर रहे हो, लेकिन ऐसे गद्दार, मैं वहां के SP साहब को, IG साहब को, और कहीं भी पुलिस के सभी बंदों को जो अच्छे काम कर रहे हैं उनको सल्यूट करता हूँ, लेकिन इस तरह के कुछ गंद तुम्हारे डिपार्टमेंट में, चाहे वो कहीं भी हो, जैसे अभी हरियाणा में एक फौजी को मारा, या बीच में एक वो सचिन को, कोबरा कमांडो को मारा था, इस तरह के कुछ गंदों को बचाने के लिए आप अपना डिपार्टमेंट गंदा ना करो। आगे आना चाहिए आपको, खुद को, वहां के SP को, IG को, उनका कंप्रोमाइज ना करा के उनको बैच परमानेंट टर्मिनेट करो, इनको जेल में डालो इनको, या फिर इनको सेना के हवाले करो, इनकी तसल्ली करा देंगे, इनको चाइना बॉर्डर पर कुछ दिन भेज दो इनको हमारे साथ। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, मैं चाहता हूँ कि वीडियो देखें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि इस तरह कहने वाले का परमानेंट इलाज हो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैंने एक हवलदार पवित्र कुमार विश्वाल, उड़ीसा पुरी जिला अस्तरंग के रहने वाला हूँ। मैंने इस
वीडियो बनाने का मकसद मेरे साथ यहाँ का आईआईसी गुंडागर्दी करके और मेरा परिवार का नाम पर झूठा इंजाम लगाकर एक पर एक जो केस रुजू कर रहा है उसका बारे में। यहाँ उड़ीसा में बहुत सारा कंपनी चिट फंड में है, उसका देखभाल मदन मोहन कमीशन कर रहा है। उसी चिट फंड केस में यहाँ का आईआईसी शरद कुमार नायक मुझे और मेरा पत्नी को बुलाकर थाना में अश्लील भाषा में गाली गलौज किए और हमें बोले तुमको पैसा देना पड़ेगा, अगर पैसा नहीं दिया तो मैं तुम दोनों को कोर्ट फॉरवर्ड करूँगा। मैंने बोला चिटफंड का केस कमीशन देख रेख कर रहे हैं, अगर कमीशन बोलेंगे तो हम लोग पैसा देंगे, आप क्यों जबरदस्त कर रहे हैं। और मैंने भी 1,70,000 रुपया इसी चिटफंड में मेरा गया हुआ है, आप क्या मेरा पैसा लौटा सकते हैं। इतना बोलते ही उसने गुस्सा होकर आके मुझे माधरचोद तुम ज़्यादा बकवास करते हैं करके और भुजा से तुमको काट दूंगा करके एक थप्पड़ लगाया और मुझे धक्का मारते हुए हवाला के पास ले गया। मैंने बोला मैं एक फौजी आदमी हूँ, आप मेरा पत्नी के सामने आप मेरा बेइज्जत कर रहा है, ये ठीक बात नहीं है। इतना बोला तो उसने मुझे बोल रहा है तुम लोग सारे सब फौजी चोर हो, गुंडा संस्था को रिपोर्ट देते हो और पाकिस्तान को बंकर खोलने में मदद करते हो, अभी जो कारगिल लड़ाई हुआ था वो सब तुम लोग का हाथ है। इसका बदले मेरा पत्नी को जाके बोल रहा है तुम पैसा जुगाड़ करके लाओ और कारगिल लड़ाई हुआ था वो सब तुम लोग का हाथ है। इसका बदले मेरा पत्नी को जाके बोल रहा है तुम पैसा जुगाड़ करके लाओ और तेरा आदमी को ले जाएगा। मेरा पत्नी निरुपाय होके बाहर निकला, उसके बाद 5,000 रुपया जुगाड़ करके एक लफाफा के अंदर में डाल के उसको देने के बाद उन्होंने हम दोनों को रात 12 बजे छोड़ा। दूसरा दिन भी बुलाया, वही बात बोल रहा है जो तुम लोग को पैसा देना पड़ेगा। हम लोग किसी तरह वहाँ निकलने के बाद सब कुछ लिख कर एसपी महोदय का गृहांश में गया, वहाँ पर हमने सब कुछ बताया। गृहांश में वही बात बोले जो कमीशनर बैठा हुआ है इसका आईएएस का कोई रोल नहीं है, तुम लोग जाओ हम थाना में बता देंगे। हम आने के बाद फिर आईएसी हमें बुलाया, बोलता है तुम लोग मेरा नाम पर एसपी ऑफिस में केस दिया है, केस क्या मैं तुम लोग को बताता हूँ, मेरा पावर है, मैं तुम्हारा जिंदगी बर्बाद कर दूंगा, अगर भलाई है तो मेरा केस तुम जाके उठा दो। इसके बाद योजना प्रस्तुत करके जो अभियोगकारी का ससुर जो कोर्ट में रहता है उसको बुलाकर मेरा नाम पर और मेरा पत्नी और मेरा बड़ा लड़का का नाम पर मिथ्या झूठा केस रुजू किया, इसके बाद कोर्ट में भेज दिया। फिर उसने हमारा बैंक में जाके मैनेजर से सब कुछ बताया, मैनेजर मुझे बुलाए वहाँ पर कस्टमर और मेरा स्टाफ के सामने मेरा बेइज्जत कराया, मेरा गाली गलौज किया। इसके बाद जाते समय बोल के गए जे आज रात भर मैं समय दे रहा हूँ, तुम जाके मेरा केस फैसला करो, नहीं तो मैं कल सुबह आके तुम्हें इसी जगह अरेस्ट करूँगा। मैंने अपना बैंक काम ख़त्म करके शाम 7 बजे बैंक से निकला, अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया और घर न आकर मैं वकील के घर में गया। बताने के बाद बातचीत करके मैंने रात 11 बजे अपने घर के लिए रवाना हुआ। उसने मेरा मोबाइल फ़ोन को फ़ोन किया लेकिन मेरा फ़ोन स्विच ऑफ था। उसने इंतज़ार करते करते वो गुस्सा होके रात 11 बजे करीब मेरा घर आया। घर में मेरा पत्नी अकेली थी, मेरा घर गांव से 500 मीटर के दूर पर है। उसने एक हाथ में ब्लैंक पेपर पकड़ के मेरा पत्नी को जाके जबरदस्त बोला इसमें साइन कर। मेरा पत्नी मना किया तो उसने बोल रहा है मैं यहाँ का आईएएस हूँ, पुलिस का पावर तुम क्या जानता नहीं, मैं चाहूँगा तो तेरा आदमी का नौकरी खा जाऊँगा, तेरा बच्चा पढ़ाई कर लिखाई करके भी नौकरी नहीं कर पाएगा, उसका ज़िंदगी बर्बाद कर दूंगा, अगर तुम्हारा भलाई है तो मेरा केस जाके उठा दो, नहीं तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। इतना बोल के वहाँ से चला गया। मेरा पत्नी वहाँ रो रही थी, मैं आने के बाद देखा तो पत्नी रो रही है। उसके बाद मैंने सोचा यहाँ रहना हमारा खतरा से खाली नहीं है, फिर हम लोग दोनों रात को ही घर छोड़ दिया। हम जामीन तक हम बाहर में भटकते रहे, जामीन होने के बाद भी बोल रहा है तालाब में मछली है अभी मैं पकड़ सकता हूँ, बोल के
12/6/2020 को शाम 7:30 बजे मेरा छोटा लड़का बाजार गया था। थाना का SI DC प्रधान को भेजकर उसका गाड़ी का फोटो और उसका फोटो लिया। अब मेरा घर का पास आकर उसने दूसरे आदमी को भेजकर उसका मोबाइल नंबर लिया। मैंने पता किया तो उसने SI ने बोले हमें IS सर ने मांगे थे। इसका मतलब फिर उसने योजना प्रस्तुत कर रहा है मेरा छोटा वाला लड़का को फंसा के उसका जिंदगी बर्बाद करने के लिए। अगर आप लोग इसको विचार कीजिए, अगर आपके नजर में मैं दोषी हूँ, मुझे पनिशमेंट मिलना चाहिए। अगर मैं निर्दोषी हूँ, मुझे न्याय मिलना चाहिए। जय हिंद।